नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है लोक कहानी किस्मत का खेल। बच्चों, एक बादशाह के दो बेटे थे। बड़े का नाम अब्बास और छोटे का नाम वकास था। दोनों मुख्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे। एक दफा बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर एक सवाल किया। ये बताओ जी कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है? अब्बास ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, इंसान बड़ा आदमी दौलत से बनता है। उसके बाद छोटे शहजादे ने अर्ज किया, अब्बा जान, इंसान बड़ा आदमी मुकद्दर से बनता है। अच्छा। बादशाह ने बड़े बेटे को बहुत बड़ी रकम देने के बाद कहा, अच्छा, अब तुम बड़ा आदमी बनकर दिखाओ। जी अब्बा हुजूर। दोनों शहजादे रुखसत हुए। बच्चों, उस मुल्क में एक गरीब मछेरा भी रहता था। शहजादा अब्बास उस मछेरे के पास गया और वो रकम उसको दी। मछेरा इतनी बड़ी रकम देख बहुत खुश हुआ। उसने उस रकम में से कुछ रकम एक मटके के कोने में छुपा कर रख दी। ठीक है। और बाकी रकम लेकर बाजार गया और एक चादर ली और गोश्त लिया और बाकी रकम चादर के एक कोने में बांध दी। वहीं एक चील ने चादर में गोश्त बंधा देखा तो वो उड़ती हुई आई और चादर खींच कर उड़ गई। मछेरे की बीवी ने वो मटका जिसमें रकम रखी हुई थी कूड़ा कबाड़ खरीदने वाले के हाथ बेच दिया और इस तरह वो मछेरा एक मर्तबा फिर गरीब हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों शहजादे उस मछेरे के पास आए और उसका हाल अहवाल पूछा। तो मछेरे को गमगीन और उदास देखकर हैरान हुए। मछेरे ने बताया कि शहजादे, मैं एक मर्तबा फिर गरीब हो गया हूँ, तबाह बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई रकम मेरे हाथ से निकल गई है। बड़े शहजादे ने पूछा, मगर कैसे? मछेरे ने सारा किस्सा सुनाया। अब छोटे शहजादे यानी वकास ने मछेरे को तसल्ली और तशफी दी और कहा, फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी हुजूर, शुक्रिया। उसने मछेरे को एक रुपया दिया लेकिन मछेरे ने वो रुपया एक तरफ फेंक दिया क्योंकि इतनी मामूली रकम से वो अपनी हालत कैसे सुधार सकता था। उसी शाम को मछेरे का एक वाकिफकार मछेरा आया
और कहने लगा, दोस्त। कहो। मेरा जाल फट गया है, अगर तुम कुछ पैसे दे दो तो मैं जाल की मरम्मत कराऊंगा। पैसे? मैं वो, और उसके एवज में आज जितनी मछलियां भी पकड़ूंगा उसमें से आधी तुम्हें दे दूंगा। आधी? ठीक है, ठीक है। दूसरे दिन मछेरे ने जाल ठीक करके दरिया में डाला। काफी देर के बाद उसमें सिर्फ दो मछलियां फंसी। चुनाचे वो घर वापस आया, एक मछली अपने पास रखी और दूसरी वादे के मुताबिक उस मछेरे को देने के लिए चला गया जिसने उसे एक रुपया दिया था। रुपया देने वाले ने अपनी बीवी से कहा, आज मछली काट कर ही पका लो। जी। चुनाचे उसकी बीवी ने मछली काटनी शुरू कर दी। जब मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई थी। मछेरा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। वो अंगूठी लेकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्त की शाखों में फंसी हुई वो चादर नजर आई जो चील उससे ले उड़ी थी। अब तो वो बहुत खुश हुआ। खैर, उसने बाजार में बहुत बड़े जौहरी के हाथ वो अनमोल हीरा बेच डाला जिससे उसको बहुत बड़ी रकम मिली। आज वो गरीब मछेरा बेहद अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई और बड़ी शान के साथ रहने लगा। हवेली में कई कनीजें और नौकर थे। अब उसने बड़े पैमाने पर मछलियों का कारोबार भी शुरू कर दिया था। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक बार फिर उस गरीब मछेरे की झोपड़ी में पहुंचे। आलीशान हवेली मौजूद थी। मछेरे ने शहजादों का इस्तकबाल किया। शहजादे मछेरे की शान और शौकत देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब तो बड़े शहजादे को वाकई इस बात का यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि किस्मत भी कोई चीज है। बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुकद्दर का भी बड़ा दखल होता है। किस्मत का खेल। अभी आप सुन रहे थे ये लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंस अब्दुल हक कमाल, फनकार राम मैनी, मंजू मैनी, कीमती आनंद, सैयद सलीम असगर जैदी, एम आजम शाह और उमर रजा खान, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, एडिटर बटिलेंग लिंगदो
और अमिता भट्टी, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।